बिहपुर प्रखंड के बिहपुर दक्षिण सोनवर्षा पंचायत से वर्तमान मुखिया नीना रानी ने सोमवार को बिहपुर प्रखंड मुख्यालय में मुखिया पद के लिए नामांकन का पर्चा भरा। वहीं नामांकन के पहले शनिवार व रविवार को मुखिया नीना रानी के समर्थकों ने अजय उर्फ लाली कुंवर के साथ पूरे पंचायत में आशीर्वाद यात्रा निकालकर सघन जनसंपर्क भी किया। इधर नामांकन के दौरान नीना रानी के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। नामांकन के बाद नीना रानी ने कहा कि बीते 5 वर्षों में मैंने पंचायत के लिए जो भी किया है वो पूरा डाटा जनता के सामने है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, सोनवर्षा पंचायत का सर्वांगीण व चहुमुखी विकास। नॉमिनेशन दोबारा, हम वर्तमान में मुखिया भी हैं, दोबारा नॉमिनेशन दिए हैं। अब जनता की मर्जी पर है, उनका जो भी इच्छा हो, उनका जो भी है, उसका हम सम्मान करेंगे। जितना भी काम हमसे हो सका हम 100% दिए हैं अपना, और जो नहीं कर पाए हैं, अगर दोबारा हमको जनता चुनती है तो वो हम काम करने की कोशिश करेंगे। बाकी जनता को जो भी मंजूर हो वो हमको मंजूर है। जनता का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का समर्थन उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। पिछले बार भी जितना हम उम्मीद किए उससे कहीं ज़्यादा था, इस बार भी जितना उम्मीद किए उससे कहीं ज़्यादा है। तो हम तो कहते हैं भगवान के समान जनता हमारे लिए है। तो अगर हमको दोबारा चुन के फिर बनाते हैं तो हम पिछले 5 साल में जितना काम किए उससे भी ज़्यादा काम हम करेंगे, उससे भी ज़्यादा। इस बार हम जनता से यही अपील करेंगे, उनको अगर लगता है कि हम उनके काबिल हैं, पिछले बार जब मुखिया बनाए तो वो हमसे संतुष्ट हुए हैं, तो दोबारा हमको वोट करें। अगर संतुष्ट नहीं हैं तो नहीं चुने। हम अपने काम के आधार पर चाहते हैं जनता हमको चुने, और कुछ भी जनता से उम्मीद नहीं। उनका जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान है हमारे लिए। बिहपुर प्रखंड के 13 पंचायतों में 24 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन का पर्चा भरने के तीसरे दिन सोमवार को प्रखंड कार्यालय बिहपुर में हुजूम उमड़ पड़ा। पहले 2 दिन भीड़ को देखते हुए तीसरे दिन वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन को लेकर पंचायतवार काउंटरों की व्यवस्था की गई थी। बिहपुर के BDO आरओ सतीश कुमार ने बताया कि तीसरे दिन सोमवार को बिहपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के लिए सरपंच पद के लिए 41, पंसद पद के लिए 45, मुखिया पद के लिए 35, वार्ड सदस्य पद के लिए 271 एवं पंच के लिए बड़ी संख्या में महिला व पुरुष प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा। बिहपुर दक्षिण पंचायत सोनवर्षा से वर्तमान मुखिया नीना रानी ने मुखिया पद से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। निवर्तमान प्रमुख रीमा देवी ने एक बार फिर पंचायत समिति पद के लिए नामांकन का पर्चा भरा। झंडापुर पूर्व पंचायत से मुखिया पद के लिए वर्तमान मुखिया ललित सिंह व पूर्व मुखिया उमेश यादव ने, बभनगामा पंचायत से मुखिया पद के लिए गुलजार खावा सबनम बेगम ने, बिहपुर जमालपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए सहिमा खातून, मोहम्मद इरफान आलम, राधाकृष्ण ने, जबकि पंचायत समिति पद से लाल मोहन ने नामांकन का पर्चा भरा। नामांकन को लेकर सुरक्षा की बिहपुर में चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। बिहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह अपने पुलिस पदाधिकारियों और बलों के साथ पूरी तरह से मुस्तैद व सजग दिखे। राजकुमार सिंह ने कहा कि सुरक्षा को लेकर उनकी टीम पूरी तरह से सजग है। सुरक्षा का पूरा चाक चौबंद है, पूरा थाना और सभी पदाधिकारी लगे हैं, जितने तीनों गेट हैं सब पर लगे हैं, और लगातार हम तीनों गेट का निगरानी कर रहे हैं घूमते हुए। आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यू मेरा सारा थाना यहाँ लगा हुआ है कि बिल्कुल सुरक्षित, सबको नाम निर्देशन काम बिल्कुल शांतिपूर्ण हो और कोई किसी तरह का हल्ला हंगामा नहीं हो, और चारों तरफ फ्लाइंग स्क्वाड कर रहा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, तो शांतिपूर्ण करें, जो प्रक्रिया के तहत कार्य करें। एक अभ्यर्थी के साथ एक ही व्यक्ति अंदर प्रवेश करें ताकि सबको सहूलियत हो, अपनी सहूलियत साथ साथ सबकी सहूलियत का ध्यान रखें। दावा किया इस बार तो बहुत अच्छा है, जीत के आ रहे हैं फिर से प्रखंड में। जनता के लिए क्या कहना चाहिए, जनता को क्या कहिएगा? जनता को मैं यही कहना चाहती हूँ कि सही चुने, जो सही कैंडिडेट है उस पर आप मतलब अभी उस पर उतरे, आप कोई लुभावन पे नहीं उतरे। अभी वोटर को खरीदने के लिए क्या क्या नहीं करता है, लेकिन उस पर नहीं जाइए, जो काम करता है उसके लिए अभी मतलब उसको दीजिए। इस बार जो बचा हुआ काम है वो उसको पूरा करना है। जैसे पहले ब्लॉक को ही या ब्लॉक को ही देख रहे हैं, ब्लॉक का क्या व्यवस्था था, आज क्या व्यवस्था है आपका? ब्लॉक में 3 बजने के बाद जो है कि सुगर आके बैठता था, आज देखिए चारों तरफ से बाउंड्री वाल हो गया। ब्लॉक का जो काम है, जो जिसके तरफ आज आज़ादी के बाद आज तक ध्यान नहीं दिया गया था, हमने उसको ध्यान दिया और पहले ब्लॉक के व्यवस्था को सही किया है। और
फंड के अनुसार जो होगा आगे करते रहेंगे। हॉस्पिटल में जो है कि समुचित हॉस्पिटल का हम लोग प्रस्ताव भी लिए हैं, इस बार जीत के यदि आएंगे तो 70 लाख का प्रोजेक्ट है कोरोना का, और वहाँ हॉस्पिटल में काम करना है, वही हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हॉस्पिटल जो है यहाँ का अत्याधुनिक बने। सीएससी अपार समर्थन है जनता का, कुछ नहीं, जितना से जीते थे उससे ज़्यादा, जैसे जिला में सबसे ज़्यादा वोट से जीते थे, इस बार थोड़ा उससे और ज़्यादा वोट से जीतेंगे। चौमुखी विकास मैंने किया है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गया, गली गली पानी जो भी है हर काम किया। जनता कितना साथ दे रही है इस बार? वो लड़ाई नहीं है मेरे साथ, क्या हुआ है थोड़ा एक स्वास्थ्य उपकेंद्र मेरे पंचायत में नहीं है, उसमें प्रयास कर रहे हैं, उसको करवाएंगे। अब ग्राम के सारे विकास जो बच्चे खुचे हैं, जो मुखिया जी के किए हुए हैं, अधूरे काम उसको पूरा कर देंगे। जितना सुख सुविधा होगा उतना सुख सुविधा देंगे, जनता की सेवा करेंगे, जो सुख सुविधा माना मुद्दों पर आ रहे हैं। जो भी नाली का काम नहीं हुआ है, जमा होता है, टीचर का कमी है स्कूल में, डेंजर इंदिरा आवास जिस आदमी को देना चाहिए उस आदमी को नहीं मिल रहा है, ये योगी के बैग है। भागलपुर जिले के नारायणपुर व बिहपुर प्रखंड के जिला परिषद प्रत्याशियों के लिए नामांकन का दौर लगातार जारी है। बिहपुर भाग संख्या 2 से रेणु चौधरी ने जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में नौगछिया अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल कर बाहर आए रेणु चौधरी का जिला परिषद क्षेत्र के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। प्रत्याशी रेणु चौधरी ने कहा कि बिहपुर में विकास की कमी है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बिहपुर में कोई भी काम नहीं हुआ है, इसलिए इस बार जनता रेणु चौधरी को जिताएगी। बिहपुर का सम्मान के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, विकास चाहिए, विकास की कमी है और उसका हम पूरा करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा, जीत जाते हैं जहां भी कठिनाई है उसका हम पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ काम छूट गया था जो कि अगले बार बहुत कभी काम ही नहीं हुआ है, ये मेरे लिए बाकी है। अभी तक जो जिला परिषद आए हैं कोई बिहपुर में कोई काम नहीं हुआ है, अभी तक अधूरा ही है, इसलिए जनता रेणु चौधरी को चुन रही है, इस बार रेणु चौधरी विजय होगी। वहीं रेणु चौधरी के पुत्र चंदन कुमार ने कहा कि बिहपुर के सम्मान के लिए हम लोग मैदान में हैं, पिछली बार हमने 74 से वोट प्राप्त किया था, इस बार सभी 7 पंचायत से हम लीड करेंगे। मेरा नाम चंदन भारद्वाज है, मैं प्रत्याशी का पुत्र हूँ और ऐसे में स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, समाज में हमेशा बना रहता हूँ और इनके कैंपेनिंग का मैं एक हिस्सा हूँ। और विगत जो अभी कोविड के टाइम से और विगत कई एक वर्षों से जो बिहपुर काफ़ी सारी विभिषिकाओं से जूझ रही है और हम लोग उसके सम्मान के लिए, हम लोग का स्लोगन ये हैशटैग है बिहपुर के सम्मान में हम हैं मैदान में, और बिहपुर की जो गौरव और गरिमा जो भी धूमिल हुई है हम लोग उसके लिए, और भ्रष्टाचार पर पूरा प्रहार, यही है मेरा नारा। क्या काम नहीं हो पाया बिहपुर? बिहपुर का सबसे पहले गौरव ही नहीं बचा है, काम की बात छोड़ दीजिए, जो बिहपुर का पुराना इतिहास रहा है वो धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है और हम लोग उसके लिए निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। और आज के डेट में पिछले बार भी हम लोग काफ़ी कम अंतर से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार भागलपुर जिला में पहली एक इकलौती कैंडिडेट हैं जो सबसे मैक्सिमम नंबर ला करके भी चुनाव मैदान में चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन जनता का विश्वास इन्होंने पिछले बार भी अर्जित किया था, 7400 मत इन्होंने पिछले बार भी प्राप्त किया था। और इस बार की जो स्थिति है, पिछले बार हम लोग, हमारे क्षेत्र में एक हत्या हो गई थी जिसके चलते क्षेत्र में हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, इस बार 7 पंचायत से बहुत मजबूती से हैं और हम लोग मजबूत हैं। इस बार आपकी पकड़ मजबूत है? पकड़ ही नहीं मजबूत है, जनता है हमारा, पूरा जनता हम लोगों के साथ है और 7 पंचायत में 7 पंचायत लीड करेंगे, ये आपको आपका हैशटैग रहेगा और आपको भी लगेगा कि नहीं, जो भागलपुर जिला में सबसे बेहतर अंकों से अगर कोई जीत के आएंगी तो रेणु चौधरी। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कुमारपुर में बड़वा नदी का तटबंध टूट जाने से दर्जनों घरों में पानी फैल गया और सैकड़ों एकड़ में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है और पूरा इलाका जलमग्न होने से आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़वा तटबंध में कटाव के कारण कठरा पंचायत के कई गाँव में पानी भर जाने की सूचना अध्यक्ष परामर्श समिति ग्राम पंचायत कटरा अमित कुमार रवि ने प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ जिले के वरीय पदाधिकारियों को भी दिया।
जिसके बाद देर शाम SDM भागलपुर, BDO और CO सुल्तानगंज आपदा विभाग की टीम के साथ ध्वस्त हो चुके तटबंध और पंचायत के कई घरों में प्रवेश कर चुके पानी का जायजा लिया। साथ ही किसानों के बर्बाद हो चुके फसल का भी आकलन किया। इस दौरान सुल्तानगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज मुर्मू ने सरकार की तरफ बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने वाले हर संभव सहायता जल्द से जल्द पहुंचाए जाने की बात करते हुए किसानों को भी मुआवजा दिए जाने की बात कही। वहीं कटरा पंचायत के परामर्श समिति के अध्यक्ष अमित कुमार रवि ने बाढ़ के कारण परेशान हो रहे लोगों को जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा जल्द से जल्द राहत पहुंचाए जाने की मांग की है। बड़वा नदी के पश्चिमी तटबंध टूटने से स्थिति बिल्कुल भयावह है। लगभग बड़वा नदी में 100 फीट से ऊपर जो है कटाव हो चुका है, जिसके चलते जो है ग्राम कुमारपुर और कटहरा पंचायत के विभिन्न गाँवों में सैकड़ों घरों में जो है अभी भी पानी है, घुसा हुआ है और फसल भी पूर्णतः जो है बर्बाद हो चुका है। जो थोड़ा बहुत हम लोग दोहरी मार से जो है झेल रहे हैं। सुल्तानगंज गंगा नदी का बाढ़ एक बार आई और पुनः जो है बड़वा नदी में अत्यधिक पानी होने से बाढ़ की स्थिति जो है बन गई, तटबंध ध्वस्त हो गया। भागलपुर के सुल्तानगंज के कृष्णगढ़ मोड़ के समीप राजद कार्यकर्ताओं ने तारापुर उपचुनाव में राजद विधायक प्रत्याशी अरुण कुमार शाह का फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान तारापुर राजद विधायक प्रत्याशी अरुण कुमार शाह ने अपने समर्थकों के साथ JP पार्क में बने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर जीत की कामना की। इस दौरान राजद विधायक प्रत्याशी अरुण कुमार शाह ने मीडिया को बताया कि प्रदेश के द्वारा तारापुर से विधायक उपचुनाव के लिए हमें टिकट दिया गया है, अगर जीतते हैं तो तारापुर विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए विकास का काम करेंगे, इसलिए तारापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता भारी बहुमत से हमें विजयी बनाए। इस दौरान राजद के सैकड़ों समर्थकों ने लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अरुण शाह जीतेगा भाई जीतेगा का नारे लगाए। इस दौरान राजद के जिला महासचिव चक्रपाणी हिमांशु, पूर्व विधायक फलिंद्र चौधरी, राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिराज, राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष नट बिहारी मंडल, अफरोज आलम, विवेकानंद यादव, कैलाश यादव, मोहम्मद मंजूर आलम, उमेश यादव, इंद्रजीत कुमार, सुमन कुमार सहित राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार में 30 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म हो चुका है। कुशेश्वर स्थान व तारापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। राजद के द्वारा तारापुर विधानसभा से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और भागलपुर महानगर के अध्यक्ष पद पर 6 बार रहने वाले और तारापुर विधानसभा के असरगंज निवासी अरुण कुमार शाह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राजद से टिकट मिलने के बाद पहली बार तारापुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर अरुण कुमार शाह का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद अरुण कुमार शाह असरगंज बाजार स्थित आसपास के पूरे इलाके का पैदल भ्रमण कर लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सहयोग की अपील की। वहीं लोगों के द्वारा मिल रहे समर्थन से उत्साहित अरुण कुमार शाह ने कहा कि वे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और पार्टी ने एक अदना कार्यकर्ता को टिकट दिया है। वे सभी वरीय नेताओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और तारापुर सीट जीत कर पार्टी को झोली में देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री अध्यक्ष जी जो भरोसा किए हैं, जो उन्होंने पिछड़ा और दलित की जो राजनीति शुरू की है, सामाजिक न्याय समता मूलक का, और हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं मैं जो राजनीति करता हूँ A-Z तक, मतलब सवर्ण भी जो है गाय चराने वाला और झाड़ू देने वाला है, कहता है उनको समान सामाजिक समता मूलक समाज में उनको सही उनको दिला के रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मेरे परिपक्ष के नेता, उनका ये आह्वान है और उसी का एक प्रतिफल आप देख रहे हैं। मैं 25 साल से राष्ट्रीय जनता दल का 6 टर्म नगर अध्यक्ष रह के दरी बिछाने और उठाने का काम किया है, पत्र देने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया है। आप अपार स्नेह देख रहे हैं, मैं अपने जनता को, तारापुर की जनता को इसी तरह अपार प्रेम स्नेह देते रहूंगा।
भागलपुर युवा कांग्रेस और अल्पसंख्यक युवा कांग्रेस के द्वारा लखीमपुर में किसानों की निर्मम हत्या व उसके न्यायिक समर्थन के लिए मैदान में उतरी। यूपी कांग्रेस प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को जबरन पुलिस हिरासत में लेने के विरोध में स्टेशन चौक पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित AICC सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परवेज जमाल, कार्यकारी अध्यक्ष अभय आनंद झा, उपाध्यक्ष मुजफ्फर अहमद मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित आनंद व संचालन भागलपुर विधानसभा अध्यक्ष सुमित शाह ने किया। कृषि विभाग द्वारा राज्य के अंदर किसान प्रशिक्षण सह परिभ्रमण कार्यक्रम अंतर्गत अनानास व ड्रैगन फ्रूट की खेती के प्रशिक्षण को लेकर डॉक्टर कमाल कृषि महाविद्यालय किशनगंज के लिए रवाना हो गए। अब भागलपुर के किसान अनानास एवं ड्रैगन फ्रूट की खेती का लाभ ले सकेंगे। यह प्रशिक्षण 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस प्रशिक्षण में जाने वाले किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर उनकी बस को रवाना किया।